हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा नाम की मूवी के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखो, इसके लिए मैं थोड़ा सा लेट इस वजह से हो गया क्योंकि मूवी 12:30 स्ट्रीम कर दी गई थी और मैं सोच रहा था कि 1:30 बजे आने वाली। और चलो, इस देर को रखते हैं साइड में। बात करने वाले इस मूवी के बारे में कि मूवी कैसी होने वाली है, इसकी बेसिक स्टोरी क्या रहने वाली है और क्या ये देखने लायक है या नहीं, फैमिली के साथ चेकआउट कर सकते हैं या नहीं। बात करें बेसिक स्टोरी के बारे में, आप कह सकते हो कि नेहा नाम की एक जो है एयर होस्टेस देखने के लिए मिलती है, जो कि अपने बिजनेस पार्टनर कह सकते हो या अपने पार्टनर के साथ जो हमारा अंकित देखने के लिए मिलता है, वो क्या करते हैं, एक चोरी को अंजाम देना चाहते हैं प्लेन के अंदर, जहाँ की वो चोरी जो भी होगी वो आपको मूवी के अंदर पता चल जाएगी वो क्या चुराना चाह रहे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि जब वो जो चोरी होती है वो दरअसल एक हाईजैक बन जाती है। अब हाईजैक के दौरान वो किस तरीके से अपनी चोरी को अंजाम देंगे और उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, यही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को चेकआउट करना पड़ेगा। देखो, अगर बात करें कॉन्सेप्ट के बारे में, देखो कॉन्सेप्ट मुझे पसंद आया। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट था, लेकिन डिसेंट था, काम कर जाता है कहानी के अंदर, एंगेजिंग करने के लिए वर्थ इट। बात करें यहां पे परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस आपको सबकी बढ़िया देखने के लिए मिल जाती है। अंदर जो स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है, जो इसकी स्टोरी टेलिंग देखने के लिए मिलती है और जो पेसिंग देखने को मिलती है, तीनों एक्सीलेंट। मेरा कहने का मतलब, स्टोरी को काफी अच्छी तरीके स्टेबलाइज किया गया है ताकि आप जो है एक फ्लो के साथ जो है स्टोरी के साथ में बहते चले जाओ। बस यार, मुझे एक बात पूछनी है कि यामी गौतम के कैरेक्टर के साथ हर मूवी में एक ट्रेजेडी क्यों होती है। अब इसमें भी एक ट्रेजेडी होती है, वो आपको मूवी के अंदर पता चल जाएगी, लेकिन मूवी के अंदर जो कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलते हैं उनका डेवलपमेंट आपको ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है, जिस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि हाँ कैरेक्टर कनेक्शन हो जाता है, खासतौर पर यामी गौतम से हो सकता है। और अगर आप प्रो ऑडियंस हो तो आप जो है पूरे ट्विस्ट भी समझ जाओगे कि इसके अंदर क्या क्या जो है ट्विस्ट आने वाले हैं और कहां पे कौन किसको धोखा देने वाला है। एंड देन कंक्लूजन की बात करें तो मूवी क्या देखने लायक है या नहीं, तो हाँ इसे चेकआउट कर सकते हो, लेकिन फैमिली के साथ चेकआउट नहीं कर सकते हो। एक दो जगह लव मेकिंग सीन देखने के लिए मिल जाते हैं, जिस वजह से मैं इसे फैमिली के साथ प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन एज अ टाइम पास के लिए आप इस मूवी को चेकआउट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ रिव्यू आपको समझ में आ गया होगा। रिव्यू पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर भी क्लिक कर देना, ताकि बाबू सोना जादू टोना के मैसेज पहले तुम्हारे भाई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी करते वीडियो को एंड, अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर।